वी आर ऑन द वे टू मनाली. यू कैन सी द रोड कंडीशन. हाउ आर यू फीलिंग? लोग चंद्रताल के रास्ते को गाली देते यार, ये उससे खराब है. दिस इज नेशनल हाईवे नंबर 508. We'll see आगे कैसा रोड मिलता है. खराब रास्ते कंटिन्यू होते हुए हम बटाल क्रॉस कर चुके हैं. बटाल से करीबन 5 किलोमीटर हम आ चुके हैं और ऐसा ही रास्ता है. कांट हेल्प इट. इसका रीजन भी है, ये रास्ता 6 महीना बर्फ से कवर रहता है. इसके बाद अगर आप रास्ता बनाएंगे भी तो वो खराब हो जाएगा. बर्फ तो इरोजन करता है ना, तो साइंस. बट अगेन वी हैव टू थिंक, मतलब और क्या तरीका हो सकता है करने का. दिस इज वेरी बैड. नो, दिस रोड वाज नॉट मेंट फॉर अस. पीछे से रास्ता था, इसलिए गोल्डन एडवाइस, कभी भी शॉर्टकट नहीं मारना. यहाँ पे मैं वहां पे एक्सेलेटर छोड़ देता ना तो गाड़ी मेरी जाती पीछे. बेचारे 3 बाइकर्स भी आ रहे थे, सीधे जाते सब लोग मिलके चेना में, वो आपके बगल में बैठे थे. सो लास्ट एंड फाइनल बेवकूफी. इसके बाद ऐसी बेवकूफी नहीं. पता नहीं नीचे का क्या हालत है भाई. गाड़ी पूरी हिल गई थी. हिल. बेकार है बट व्यू लाजवाब. आज से चेनाब नदी बहते हुए और सामने में बर्फीले पहाड़ों की चोटी. यहाँ बेसिकली आपका पेशेंस टेस्ट होता है, जो चला रहा है उसका भी और जो बैठे हैं उसका भी. सो हम यहाँ पे रुके हैं थोड़े से ब्रेक के लिए. 10 मिनट हो चुका है एंड विल स्टार्ट नाउ. उसके पहले एक नज़ारा दिखा दूँ. ये देखिए द मोराइन एंड द ग्लेशियल, क्या बोलते हैं उसको, टर्म्स भूल गया, पढ़ना पड़ेगा. और ये एक और नज़ारा. रास्ता बहुत ही ख़राब भाई. आप कुंजुम पास से 10 किलोमीटर पहले से प्रिपेयर रहिए और अंटिल ग्रम्पू. तो ग्रम्पू पता नहीं यहाँ से और 20-25 किलोमीटर है. पहुँचते हैं फिर आपको बताते हैं कहाँ से कहाँ का रास्ता एग्जैक्टली ख़राब है. चलो सर्किट तो कंप्लीट करना ही है भाई, आए हैं तो कंप्लीट करके जाएंगे. सो अंटिल देन स्टे ट्यून्ड.
अंडर क्रॉसिंग, पूरे रास्ते में वाटर ही वाटर है। सामने वाला देखो बड़ा है बहुत। ओह माय गॉड, गाड़ी चला के नदी में। हाँ। अच्छा है, गुड गुड, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ना, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। अब हम किसी को ज्ञान दे सकते हैं। क्या आप फिर करना चाहेंगे? एकदम बिल्कुल। देखो, जब आप किसी जल भराव के ऊपर अगर श्योर नहीं है तो अपने आप को हीरो न माने, चुपचाप साइड में रुक जाएं और पीछे वाले को आगे जाना दे, क्योंकि वो आपसे शायद एक्सपीरियंस ड्राइवर होगा, तो उसको एक दो गाड़ी को देखे कैसे जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसी डायरेक्शन में अपनी गाड़ी को निकाले। एग्जैक्टली मैंने वही किया, गाड़ी निकल गई। और ये गंदे रोड भी निकल जाएंगे आशा कर, बट ये जिंदगी भर याद रहेंगे। नहीं चलाया तो क्या चलाया, एक बनारस में चला लो और दूसरा यहाँ चला लो। दोनों में थ्रिल है भाई। भाई वो स्कूटी लेके जा रहा है, इसको पद्म भूषण दे दे। छतरू क्रॉस किया है, ग्रम्फू अभी तक नहीं आया है, और जब तक ग्रम्फू नहीं आएगा तो रास्ते का हालत सुधरेगा नहीं भाई, भगवान बचाए। किलोमीटर 1 hour 18 minutes। पहाड़ों की हरियाली वापस आ गई,
पर रास्ते नहीं आए. हमारी हरियाली चली गई. कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन. सो सुबह से 11 घंटे हो चुके हैं. मैं चल रहा हूँ सुबह 6 बजे निकले थे हम लोग, और फिर हम लोग 10:30 के आसपास, नहीं कितने बजे, 11 बजे के आसपास हम लोग वहाँ लेक पे पहुँच गए थे. ठीक है, तो अगर आप उस सेक्शन को एक्सक्लूड भी कर देना तो कंटिन्यूअस 77-78 किलोमीटर का गंदा स्ट्रेच है. अभी तक खत्म नहीं हुआ, सामने देखिए रास्ता, बाकी अभी खत्म होना. ठीक है, और मैं सुबह से 168 किलोमीटर चल चुका हूँ, उसमें से सिर्फ 68 किलोमीटर प्रॉपर रास्ता था. दो दिस इज ऑल्सो नेशनल हाईवे नंबर 505, बट स्टार्टिंग काजा से लेकर कुंजुम पास के 11 किलोमीटर पहले तक, दैट इज 68 किलोमीटर इज ऑसम रोड, मजा आ जाएगा चला के. ठीक है, उसके बाद आप यू डोंट एक्सपेक्ट रूट्स. ठीक है, उसके बाद भी जो बटाल आता है, बटाल वो बटाल में आपका मतलब हालत खराब हो जाएगा बटाल के बाद से. इट्स लाइक यू विल बी ड्राइविंग ऑन दी रिवर बेड, लिटरली रिवर बेड, और इतने सारे वाटर क्रॉसिंग्स हैं. और अभी इस टाइम पे शाम को 5 बज रहे हैं, अभी लोग जा रहे हैं काजा के लिए. मैं तो सर पे हाथ दे रहा हूँ, भाई ये क्या कर कर ना क्या जाते हैं. और फाइनली गुड रोड्स, 168 किलोमीटर चलाने के बाद, और उसमें भी 100 किलोमीटर आज गंदे रास्तों पे चलाना है, देवी धन्य हो. अरे बाप रे बाप, रुक जा भाई. फाइनली आंखों से आंसू आने वाले रोड. रुको, ऐसा लग रहा है कितने सालों बाद रोड देखा है. अरे रुक जाओ भाई, मेरे आंखों में यकीन नहीं हो रहा है. रुक जाओ, अभी इसको गाड़ी को साइड में रख के रोकते हैं. ठीक है मैडम जी, उतरिए नीचे. उतरिए उतरिए. आप धन्य हैं, इतने गंदे रास्तों पे इतने अच्छे तरीके से आप लेके आए हो. साष्टांग दर्शन भाई, ऑसम एक्सपीरियंस. इतना जबरदस्त गाड़ी है ना, मेरे जैसा नौसिखिया आदमी इतने टफ टेरेन में चला के आ गया, ये गाड़ी का जवाब नहीं. मजा आ गया. 168 किलोमीटर, उसमें 100 किलोमीटर आज गंदे रोड, उसमें से भी 76 किलोमीटर एक्सट्रीमली गंदे रोड. ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते, मतलब टाइम में बताऊं, टाइम में आराम से सोच के बताऊंगा, मतलब अभी बताने लायक नहीं है. तो फाइनली अच्छे रोड हैं, देखो देखो रोड्स. अभी देखो बाइकर्स, देखो सब आके वहां पे आंखों में आंसू आ गए, सब ऐसे रुके हैं रोड देख के.